हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? और ये सुबह का समय है, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। तो देखिए, मैं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी नहा चुकी थी, उसके बाद मैं सफाई करने लगी हूँ। ये लोग अभी सो रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो मैंने इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया है, तो मैं अपना काम करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा जो अपना काम है धीरे निपटा दूँ, और जानते हो सुबह के समय होता है काम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए उतनी देर में आलू प्याज बेचने वाला भी जा रहा है, क्योंकि सुबह शाम ही सब्जी वाले आते हैं। तो ये और बच्चे पार्क में, देखे ठंडा मौसम है तो बच्चे भी पार्क में पतंग उड़ा रहे हैं। तो मैं जो अपने पेड़ों को देख रही हूँ, तो आजकल पतंग के पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, मैं दवाई भी डाल चुकी हूँ, मगर वही देख रही हूँ अपने पेड़ों को। तो जो पत्तियाँ ख़राब हैं, कीड़े खा चुके हैं, मैं उनको तोड़ के अलग कर रही हूँ। तो मुझे पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तरह तरह के पेड़ लगाती रहती हूँ, मगर पता नहीं क्यों पेड़ जो हैं देखिए ख़राब हो रहे हैं, तो मैं उन्हीं को सब सही कर रही हूँ। तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ये एलो, ये हर सिंगार का पेड़ है, और ये हमारे कनेर का पेड़ है। तो मैंने और भी छोटे छोटे गमलों में पेड़ लगा रखे थे, और रात में मैंने कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में, तो वही सुबह मैं तह करके सब अलमारी में लगाने के लिए रख रही थी। तो उतनी देर में जो पपी है देखिए, वो भी कितने आराम से आके, मेरे बेटे ने कपड़ा डाल रखा है उसके सोने के लिए, तो वो अक्सर बाहर आके चिल्लाने लगता है, तो अंदर आके खा पी के देखिए सो रहा है आराम से। देखिए जब आपको मैं क्लिप दिखा रही हूँ, जब ये भूखा होता है तो गेट पे आके चिल्लाता है, आवाज़ देता है। तो बस ये सोचता है कहाँ से मुझे आने मिल जाए, मैं जल्दी से अंदर आ जाऊँ। तो देखिए मच्छर रानी है, ये भी इसी तरह है कि इनके पास ये है तो इनको लगता है कुछ हमको खाने को मिलने वाला है। तो देखिए जानवर जो होते हैं प्यार के भूखे होते हैं, बस वो प्यार ही चाहते हैं। तो देखिए कैसे खेल कूद रही हैं। तो दोपहर का समय हो गया है, तो मैंने आज बनाया है खाने में, लंच में दाल चावल और घुइया की सब्जी। तो मैं चावल दाल को तड़का लगाने जा रही हूँ। देखिए मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, और तो मैं इनसे बात भी करती जा रही हूँ, और दाल में तड़का देखे लग रहा है। तो आज मैंने घुइया बनाई उबाल के और उसे फ्राई किया है। तो इस तरह की घुइया जो थी बहुत ही खाने में अच्छी लगती है, और दाल चावल बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं फटाफट दाल में तड़का लगा दूंगी। तो अब मैं पहले से काफ़ी स्वस्थ हो गई हूँ, और आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे चैनल पे बहुत से नए लोग भी जुड़ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नए लोग जुड़ रहे हैं और मेरा परिवार थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसी तरह आप लोग हमसे जुड़ते रहा कीजिए, और आपस में एक दूसरे से शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे लोगों को पता चले, वीडियो देखें, तो हमारा जो चैनल और बड़ा हो जाए। तो मैं अब सबका खाना निकाल रही हूँ। तो मैंने खाने के साथ में चुकंदर भी काटी सलाद में, और चटनी बनाई थी, तो चटनी वही खट्टी चटनी है, लहसुन मिर्चा और खटाई डाल के। तो मैं सबका खाना निकाल चुकी हूँ। तो खाना पीना खा के शाम का समय हो गया था, तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं मेहंदी लगाने के लिए, देखिए कॉफ़ी जो होती है उसको हम पानी में उबाल रहे हैं, कॉफ़ी पाउडर जो है। तो मैं कभी मेहंदी को कॉफ़ी पाउडर में उबाल के बनाती हूँ, कभी चेक पत्ती में, आप दोनों तरह से बना सकते हैं, इससे बालों में कलर बहुत अच्छा आता है। तो जो मेहंदी है इसमें सब कुछ मिला होता है, रीठा सीका का आंवला, तो मैं उसी को, तो मुझे बाल में कलर चाहिए, तो मैं काले नहीं चाहिए, मुझे बारगंडी कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उसको लोहे की कढ़ाई में नहीं भिगो रही हूँ। तो देखिए मेरे कॉफ़ी जो है इसमें डाल के मैं अच्छी तरह से इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख दूँगी, तो ये अच्छी तरह से भीग जाएगी, तब मैं इसको बालों में लगाऊंगी। तो मैं इसको गर्म गर्म भिगो रही हूँ। तो उधर शाम का समय तो हो ही गया था, तो चाय हमने देखे चढ़ा दी है, और चाय के साथ आज मन कर रहा था चावल की कचरी खाने का, तो मैं फटाफट देखे चावल की कचरी भी भून रही हूँ। तो ये मैंने होली में बनाई थी, तो चावल की ये भी बीच बीच से देखे कचरी निकाल के खाते जा रहे हैं।
और उनको चिप्स और ये चावल की कचरी खा ली, पापड़ों में पसंद आती है, तो मैं फटाफट चावल की कचरी भुने ले रही हूँ। और ये सब चीज़ें चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगती हैं। तो वैसे इस बार मौसम जो रहा बहुत ही गड़बड़ रहा, तो ज़्यादा सामान नहीं बना पाई थी मैं। तो अब मेरी देखिए चाय भी तैयार हो गई है और कचरी भी मेरी सारी भुन चुकी है। तो ये खड़े थे, मैं इनसे बातें करती जा रही थी, तो ये बतियाते भी जा रहे थे, तो कह रहे थे थोड़ी कचरी हटा के रख दो, तो मैंने थोड़ी कचरी हटा के रख दी है और सभी के लिए मैं चाय निकाल रही हूँ। और मुझे तो कचरी जो है चाय में भिगो के डिप करके बहुत अच्छी लगती खाने में। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को भी ऐसा खाना पसंद है। तो ये देखिए मैं चाय इधर पी रही हूँ। तो उसके चाय पीने के बाद मैंने बालों में मेहंदी लगा ली थी, तो ये देखिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और मेहंदी को उसके से हम एक डेढ़ घंटा ही लगा के रखेंगे, उसके बाद में मैं बाल को वॉश कर लूँगी। और आज शाम का जो डिनर है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि वो बना रहे हैं कलेजी रोल, तो मैंने उसकी सारी तैयारी कर दी थी। तो ये देखिए किचन में बनाना स्टार्ट कर दें, आप लोगों से हाय बोल रहे हैं। तो कलेजी को पहले से इन्होंने मैरिनेट करके रख दिया था, तो उसमें अदरक और लहसुन और प्याज सबका पेस्ट जो है और कुछ मसाले जो होते हैं सब मिला के और दही से मैरिनेट करके रख दिया था, जिससे उसमें अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो ये देखिए मैरिनेट की हुई कलेजी है और साथ में चटनी बनाई है। और जो लोग नहीं खाते हैं तो प्लीज़ आप लोग उसका अवॉइड कर दीजिएगा, तो स्लिप कर दीजिएगा। तो ये देखिए कलेजी बनाने की तैयारी हो रही है। और उधर मैंने आटा को भी इसके साथ मैदा का जो पराठा होता वही अच्छा लगता है, तो वो भी मैंने सान के उधर रख दिया था जब तक गोभी अच्छी तरह से उठ जाएगा। तो ये फटाफट कलेजी बना रहे हैं। और मेरे बेटे को ये रोल वगैरह बहुत अच्छे लगते खाने में, तो उसी की डिमांड थी कि पापा आज जो है रोल बनाइए कलेजी रोल। तो इससे पहले भी आपको कई रोल दिखा चुके हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं उसकी रेसिपी तो आप हमारे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिए कलेजी बनकर तैयार हो गई है। और ये मुर्गा की कलेजी है, मुर्गी कलेजी थोड़ी सॉफ्ट होती है और मटन की जो कलेजी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसमें धनिया डाल के गार्निश कर रहे हैं। तो देखिए आटा भी अच्छी तरह से उठ गया है ये, और इसकी लोई बना के रख देंगे। तो अब देखिए तवा चढ़ गया है और हमने जो पराठे जो थे पहले से हाफ डन करके रख दिए थे जिसके बनाने में आराम रहता है, तो अब ये फटाफट जो है पराठे रिफाइंड या आप देसी घी में भी बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। आप उसको अच्छी तरह से सेक के उसके बाद में उसमें जो कलेजी जो है स्टफ कर देंगे। तो हमारे चैनल पे बहुत से नए सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी तरह कमेंट्स कर बताया कीजिए कि हमारी आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, तो जो कमी होगी उसको भी हम पूरा करेंगे। और कोई डिमांड हो ऐसे खाने की जो अगर हम लोग बना सकते हैं तो आप लोग बना के ज़रूर दिखाएंगे, तो इस तरह आप बता दिया कीजिए। तो देखिए हमारा लालर पराठा सीख के तैयार हो गया है। और ये सब चीज़ें जो होती है मैदे के पराठे हैं या रोल वगैरह हैं गर्मे गर्म खाने में अच्छे लगते हैं, तो इसलिए जो हाफ डन करके रखने में आराम रहता है कि गर्म गर्म सेक के फटाफट देती जाइए। अगर मेहमान आए हुए आप उनको सर्व कर रही हैं तो इस तरह से बना कर रख लीजिए, तो बाद में सेकने में काफ़ी आराम हो जाता है, टाइम नहीं लगता है, तो आप कई लोग को इकट्ठा बैठा के खिला सकते हैं। तो ये देखिए पराठा फटाफट सीखते जा रहे हैं।
और नॉनवेज ज़्यादातर यही बनाते हैं क्योंकि मुझे इन्हीं के हाथ का अच्छा लगता है, अपने हाथ का कम अच्छा लगता है। और ये बहुत ही वाकई में टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो ये देखिए पराठा सीखे तैयार हो गया है और इसकी जो चटनी बनी थी बहुत ही टेस्टी बनी थी। लहसुन है और मिर्चा है और धनिया और नींबू, इसकी चटनी बनाई बहुत ही टेस्टी लगती चटनी। आप वैसे भी इसको खाइए तो बहुत अच्छी लगती खाने के साथ में। और इन्होंने प्याज जो है उसके ऊपर रख दिए हैं, प्याज के छल्ले, और उसके ऊपर जो कलेजी बनाई थी वो रख दिया है। और आप अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप पनीर है या वेज किसी चीज़ के भी आप आराम से रोल बना के खा सकते हैं। जो हम लोग ने आपको वेजिटेरियन कबाब वगैरह दिखाए हैं वो भी आप इसमें स्टफ करके आराम से बना के खा सकते हैं, वो भी खाने बहुत टेस्टी लगती हैं। तो देखिए मेन चीज़ होता है इसमें चटनी, चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा रोल बन के तैयार हो गया है, बस खाने की देरी है फटाफट। और ये सब चीज़ें मैंने कहा ना गर्म खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए रोल एकदम बन के रेडी है, तो इसी तरह फटाफट ये रोल बना बना के हम लोग को देते जा रहे थे। तो जो नॉनवेज खाते हैं तो कभी वो लोग इस तरह बना के ट्राई करके बनाइएगा और बताइएगा आप लोग कि आप लोग को कैसा लगा और इसका टेस्ट कैसा है। तो जो हम लोग आप लोग को दिखाते हैं एक बार ट्राई करके जो देखा कीजिए, तो अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि हम लोग भी इस तरह बनाए हैं या खाया है। तो देखिए हमारा रोल बन के तैयार हो गया है, ये देखिए गर्म गर्म रोल बन के तैयार है। तो बस खाने की देरी है, अब लोग फटाफट खाने जा रहे हैं। उसके साथ चटनी और प्याज हो रहती तो और ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए और सब तैयारी कर रहे हैं ये। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो आज हम लोग का मन कर रहा था लेमन टी पीने का, तो वही मैं बना रही हूँ। तो और मैंने बाल भी वॉश कर लिए थे और बहुत ही अच्छा कलर आया है बालों का मेरे। तो मुझे बारगंडी कलर अच्छे लगते हैं बालों में, जो अलग से शाइन करते हैं। तो ये देखिए मैं उसके लिए नींबू काट, जब नींबू लाए थे तो मैंने इनसे कहा था हरे नींबू लिया है और इसमें रस नहीं होगा, मगर जब मैंने काटा तो इतना ज़्यादा रस था उसमें। देखिए आप देखिए कितना रस है इसमें। और लेमन टी वैसे ही बहुत फ़ायदा करती है, जो लोग दूध नहीं पसंद करते या उनको अच्छा नहीं लगता है तो लेमन टी बना के पी सकते हैं। मुझे थोड़ी सी चाय पत्ती ज़्यादा हो गई थी, वरना इसमें बहुत ही लाइट ही चाय पत्ती डाली जाती है चीनी, तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसी तरह कॉफ़ी भी बना के पी सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करती है पीने में। तो मेरा बेटा भी सो रहा है, तो सिर्फ हमने और इनके लिए अपने लिए लेमन टी बनाई थी। वैसे भी लेमन टी पीता नहीं है, कहते हैं कि सब चीज़ें आप ही पिया करो, मुझे नहीं पसंद है। तो मुझे इनको बहुत पसंद है ये, तो मैं अक्सर बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरे बालों में कितना अच्छा कलर आया है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो इसी साथ ये वीडियो हम ये समाप्त करते हैं, तब तक लिए बाय बाय।